Now, another option that is available with the drawer is that he can send the bill to bank for collection. तो हम बोल रहे हैं bill send to bank for collection. इसका मतलब समझते हैं. हम कह रहे हैं कि ये है A और ये है B. A है drawer और B है drawee. ठीक है. बिल किसके पास है? A के पास. अब A इस बिल को अपने पास रख सकता है मैच्योरिटी तक, डिस्काउंट करवा सकता है बैंक से जब पैसे की जरूरत पड़े, और वो किसी को पेमेंट करते समय एंडोर्स भी कर सकता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ए है, ड्रॉर है, वो बहुत सारे लोगों से बिल्स रिसीव कर सकता है. यानी कि जब भी ए क्रेडिट सेल करेगा, चाहे बी को करे, चाहे सी को करे, चाहे एक्स वाई जेड किसी को भी करे, और बहुत सारे बिल रिसीव हों, तो ऐसा हो सकता है कि ए के पास बहुत सारे बिल्स आ रहे होंगे. तो एक है बी आर वन, एक है बी आर टू, एक है बी आर थ्री, बी आर फोर, बी आर फाइव एंड सो ऑन. सो अलग अलग डेट्स पर अलग अलग अमाउंट के, अलग अलग मैच्योरिटी के जो बिल हैं वो ए रिसीव कर सकता है. अब ए के लिए ये एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अलग अलग बिल्स हैं, सबके अमाउंट्स अलग हैं, सबकी डेट ऑफ मैच्योरिटी अलग है ना, तो ए को बहुत काम करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि कौन सा बिल किस डेट पर मैच्योर हो रहा है और किस ड्रॉई के पास जाकर उसने पैसे रिसीव करने हैं. दिस इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन. तो ड्रॉर क्या करता है? ड्रॉर एक काम करता है, वो ये सोचता है कि क्यों ना ये जो कलेक्शन का प्रोसेस है कि मैं ये बिल उठा के ड्रॉई के पास जाऊं पैसे लेने के लिए, ये जो कलेक्शन का काम है, क्यों ना ये काम मैं बैंक को सौंप दूं, क्योंकि बैंक बहुत अच्छे तरीके से ये कलेक्शन का काम करता है चेक्स के लिए. बैंक करता है ना, आप चेक जमा करते हो बैंक में, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाते हो. बैंक वो चेक उठा के उस व्यक्ति के बैंक से पैसा निकालता है और आपके बैंक में वो पैसा डालता है. सो बैंक को पता है कि कौन सी डेट पर किस व्यक्ति के पास कितने अमाउंट लेने के लिए उसको जाना है. ये काम बैंक इजीली कर सकता है बिकॉज बैंक के पास ये सिस्टम्स तैयार है. सो ए काम करता है, ए कहता है कि जब भी कोई भी बिल मुझे मिलेगा, जब भी कोई भी बिल मुझे मिलेगा, मैं वो बिल बैंक के पास भेज दूंगा. तो जैसे ही ए के पास बिल आया, उसने वो बिल उठा के बैंक को दे दिया. फिर एक और बिल आया, उसने वो बिल उठा के बैंक को दे दिया. और ऐसा जब जब बिल आता रहेगा, वो बैंक को कलेक्शन करने के लिए वो बिल देता रहेगा, जैसे कि वो चेक डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर, वैसे ही करेगा. अब बैंक के पास एक व्यक्ति है जो बैंक ने इसी काम के लिए अपॉइंट किया है. ठीक है, तो मान लो ये एक व्यक्ति है, ये कलेक्शन एजेंट का काम कर रहा है, तो जितने भी बिल होंगे वो सारे बिल इस व्यक्ति को दिए जाएंगे और ये व्यक्ति बैंक के अंदर ही बैठा हुआ है. ये व्यक्ति का काम क्या होगा? ये व्यक्ति क्या करेगा कि जब भी बिल की ड्यू डेट आएगी, वो बिल उठाएगा. बिल उठाने के बाद वो बी के पास जाएगा, बी से पैसे कलेक्ट करेगा. कलेक्ट करने के बाद वो पैसा बैंक में हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा. तो जो बैंक अकाउंट है हमारा, उसमें वो पैसा डाल देगा जब कलेक्शन हो जाएगी. और अगर मान लो बी पैसा देने से मना कर देता है, तो ये कलेक्शन एजेंट, ये व्यक्ति क्या करेगा? ये बी के पास गया, बी ने पैसे नहीं दिए, तो ये उठा के वो बिल वापस ले आएगा. और वापस लाने के बाद वो जो बिल होगा, वो बिल ए को वापस करते हुए बता देगा कि बी ने पैसे नहीं दिए इसके. ठीक है, फिर उसके बाद ए लीगल प्रोसेस क्या करेगा, वो हम आने वाले जो दिन है, आने वाली क्लासेस है, उसमें डिस्कस करेंगे. सो एक बार फिर से हम इस पूरे बिल सेंड फॉर कलेक्शन को समझते हैं. ए के पास जब जब बिल आएगा, वो बिल उठा के बैंक के इस कलेक्शन एजेंट को दे देगा. ये कलेक्शन एजेंट क्या करेगा? ये कलेक्शन एजेंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ ईच एंड एवरी बिल उस ड्रॉई के पास जाएगा, ड्रॉई से पेमेंट कलेक्ट करेगा. कलेक्ट करने के बाद पैसा हमारे ड्रॉर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा और ड्रॉर को बता देगा कि ये पैसे आपके बिल के आ गए हैं. ठीक है,
और जिस बिल के पैसे नहीं आएंगे वो बिल उठा के वापस वो ड्रॉअर को कर दें। सो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, अब इस पूरी सिचुएशन में हमारे को तो जर्नल एंट्री पास करनी है। अब जर्नल एंट्री को समझो क्या होगा। सबसे पहली जर्नल एंट्री तब होगी जब ये वाला व्यक्ति के पास ये बिल्स जाएंगे। तो जब भी हम ये बिल सेंड करेंगे इस व्यक्ति को तो हम एंट्री पास करेंगे। उसके बाद ये व्यक्ति पैसा जब कलेक्ट करके हमारे बैंक में डिपॉजिट कर देगा तब एक और एंट्री हम पास करेंगे। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के प्रोसेस के अंदर हमें दो एंट्रीज पास करनी। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। पहले हम 12 करते हैं फिर हम आगे देखते हैं। ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर ₹5,000 थ्री मंथ्स आफ्टर डेट 1 जनवरी 2020। तो एक है ए, एक है बी। ए ने 1 जनवरी 2020 को एक बिल बनाया बी के ऊपर। बिल है 5,000 का, 3 महीने के बाद पेबल है। ठीक है, और बिल एक्सेप्ट करने के बाद ये बिल बी ने ए को दे दिया। सो हमने एक एंट्री पास करी बी आर अकाउंट डेबिट 5,000 टू बी 5,000। ठीक है, ए के पास बिल आ गया। बी एंट्री पास करेगा ए अकाउंट डेबिट 5,000 टू बीपी 5,000। सो यहां पर है बीआर और इसने पे करना है बीपी। तो एक तरफ एसेट एक तरफ लाइबिलिटी। बिल है 3 महीने का तो इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी, 1 जनवरी में 3 महीने ऐड किए तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल में 3 दिन ऐड किए तो 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2020 है डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 डेज बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से 3 दिन पहले ए सेंड्स द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। तो ए ने क्या किया, 3 दिन पहले मतलब 1 तारीख को ये बिल उठा के उस बैंक के उस कलेक्शन एजेंट को दे दिया और बोला कि इसकी ड्यू डेट पर ये पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल देना। तो 1 अप्रैल 2020 को जब ए ने ये बिल सेंड किया फॉर कलेक्शन तो एक एंट्री पास होगी। एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 5,000 टू, ये बिल उसके पास चला गया तो टू बी आर। देखो ये बिल हमने किसको दिया है, ये बिल हमने इस एजेंट को दिया है, ये जो एजेंट दिखाया था ना मैंने, ये वाला एजेंट, इसको दिया है, बैंक को नहीं दिया। आप इस बात को समझो, क्योंकि अगर हम बैंक को डेबिट कर देंगे तो हम मान लेंगे कि हमारे बैंक में पैसा आ गया है, वो नहीं हो रहा है यहां पर। यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है, ये बिल हमने अपने पास नहीं रखा मैच्योरिटी पर, हमने उठा के ये बैंक के उस एजेंट को दे दिया और एजेंट को बोला जाके कलेक्ट कर लेना। तो ये बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ अभी पैसा। इस एजेंट का जो हमने नाम रखा है, इस एजेंट का हमने जो नाम रखा है, इसको हम बोल रहे हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये इस एजेंट का नाम रखा है कि अब हमारा बिल किसके पास पड़ा है, इस एजेंट के पास, जिस एजेंट का नाम क्या है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब ये एजेंट क्या करेगा, ये एजेंट ड्यू डेट पर ड्रॉई के पास जाएगा और ड्रॉई से पैसा लेगा। पैसा लेने के बाद ये हमारे बैंक में जमा करेगा। जब ये बैंक में डिपॉजिट करेगा तब हमारे को एक और एंट्री पास करनी है। इसका मतलब ड्यू डेट पर 4 अप्रैल 2020 को जब ये व्यक्ति पैसा कलेक्ट करके हमारे बैंक में डिपॉजिट करेगा तब हम एक और एंट्री पास करेंगे। हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। अब हमारे बैंक में पैसा आया लेकिन इस बार ये पैसा किसने डिपॉजिट किया, उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का नाम हमने क्या रखा है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो हम ये वाला अकाउंट यहां पर क्लोज कर देंगे टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, तो हमने
बिल उठा के, अब ध्यान से देखना, हमने ये बिल उठा के जब उस एजेंट को दिया तो बिल क्लोज हो गया। अब हमने पैसे उस एजेंट से लेने हैं, क्यों? क्योंकि वो एजेंट ये पैसा कलेक्ट करेगा। जब उस एजेंट ने पैसा कलेक्ट करके हमारे बैंक में डिपॉजिट किए तो हमने बैंक में पैसा रिसीव किया और हमने इस एजेंट के अकाउंट को यहां पर क्लोज कर दिया। तो यहां पर एजेंट का अकाउंट हो गया क्लोज, बीआर अकाउंट पहले ही क्लोज हो चुका था, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में क्या एक तारीख को जब ड्रॉअर ने ये बिल सेंड किया उस एजेंट के पास, क्या ड्रॉई को पता है? नहीं। तो ड्रॉई उस टाइम पर कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ड्रॉई को कोई लेने देना नहीं है। बिल एजेंट लेने आए, बिल ड्रॉअर लेने आए, बिल के पैसे बैंक लेने आए या बिल के पैसे एंडोर्सी लेने आए, किसी भी सिचुएशन में बी को, ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कोई एंट्री पास नहीं करेगा। लेकिन ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी 4 अप्रैल 2020 को पैसे तो बी ने देने हैं, तो वो हमारी जो फेवरेट एंट्री है बीपी टू कैश, वो एंट्री ड्रॉई की बुक्स में पास की जाएगी। तो देखो हमने चार सिचुएशंस करी हैं, बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर और ये लास्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इन चारों ही सिचुएशंस में ऑप्शन ड्रॉअर के पास है, ड्रॉई के पास नहीं है। तो ड्रॉई हमेशा यही वाली एंट्री पास करेगा बीपी टू कैश, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। तो ये है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। ये देखो, ऑन 10th ऑफ जनवरी ए सेल गुड्स टू बी फॉर 12,000। तो एक तरफ ए, एक तरफ बी। ए ने सामान सेल किया है 12,000 रुपए का, डेटेड 10 जनवरी। तो 10th ऑफ जनवरी 2020 को बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000, ये ए ने एंट्री पास कर दी। बी बोलेगा परचेज अकाउंट डेबिट 12,000 टू ए 12,000। उसके बाद ऑन दैट डेट बी एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय ए फॉर 2 months फॉर 12,000। ए ने बिल बना के बी को दिया, बी ने बिल साइन करने के बाद ए को दे दिया और हमने एंट्री पास कर दी। यहां पर आ गया बी आर टू बी, देने वाला बी, और यहां पर ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, बिल चला गया ए के पास। सो एक तरफ बी आर, एक तरफ बीपी। ये बिल है 2 महीने का, ठीक है। तो इसकी ड्यू डेट बनेगी 13/3/2020। ए रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। ए ने ड्यू डेट तक ये बिल अपने पास रखा और ड्यू डेट को ही सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन। तो बेसिकली क्या था, देखो ड्यू डेट पर ए खुद भी जा सकता था बी के पास पैसा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने एजेंट को बोला कि तू जाके पैसे कलेक्ट कर और मेरे बैंक में डाल देना, और वो बिल मैच्योरिटी पर पे भी कर दिया बी ने। तो यहां पर क्या हुआ, ड्यू डेट पर 2 काम होंगे। पहले ए ये बिल उठा के किसको देगा, उस एजेंट को, और फिर एजेंट वो पैसे कलेक्ट करके बैंक में डिपॉजिट करेगा। सो जब हम ये बिल उठा के एजेंट को देंगे तो हम बोलेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 12,000, ये उस एजेंट का नाम है, और ये बिल हमने उठा के उसको दे दिया तो बिल चला गया, बिल चला गया, तो बिल हो गया क्लोज। अब एजेंट से पैसे लेने हैं, लेकिन यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी जब हमने बिल एजेंट को पकड़ाया, अभी एजेंट बी के पास गया नहीं है। अब एजेंट इसी दिन, या अब वो जो बैंकर है, वो जो एजेंट है, वो कलेक्शन वाला व्यक्ति है, वो उठ के बी के पास जाएगा, बिल दिखा के पैसे लेगा, पैसे लेने के बाद वो हमारे बैंक में डिपॉजिट करेगा, तो हम एंट्री पास करेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, हम बोलेंगे कि पैसा हमारे बैंक में आ गया और ये पैसा किसने जमा करवाया है, इस एजेंट ने करवाया है, तो इस एजेंट का अब लेना देना खत्म, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन को हम बंद कर देंगे। जैसे ही एंट्री पास करेंगे ये वाला अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा और हमारे बैंक में पैसा आ गया। और इसी दिन ड्रॉई ने तो पेमेंट कर दी ना, तो ड्रॉई तो वो हमने एंट्री कर देगा पास बीपी टू कैश 12,000, ठीक है, ड्रॉई की तो एक ही एंट्री है बीपी टू कैश इन ऑल सिचुएशंस।